नमस्कार, मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बोधगया के बारे में। बिहार जिस शब्द से बिहार निकला उसका मतलब है वो जगह जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। बिहार की नस नस बुद्धा से जुड़ी हुई है और बुद्धा बोधगया से। बोधगया हमारी समझ में बस वो स्थान है जहाँ बुद्धा ने प्रबोधन संपन्न किया था। इतिहास और धर्म की एक गाथा एक या दो कहानियों से बाध्य नहीं है। बुद्धा के बाद नागार्जुन, असंग जैसे कई मुनियों ने अपने ज्ञान को किसी भी दायरे के पार ले जाने का कार्य इसी स्थान से पूर्ण किया। फिर तिब्बत, नेपाल, चीन के बुद्धिजीवों ने इस मिट्टी पर धर्म एवं ज्ञान का सौगात विश्व को दिया। बुद्धा की कहानी परिपूर्ण है। जीवन की वास्तविकता, मिथ्या, सत्य, जटिलता सबको एक सरल नींव देकर सामने रख दिया गया। जैसे आधुनिक दुनिया बुद्धा के चरित्र से जितना जुड़ सकती है उतना किसी कल में नहीं हुआ। जहां हर तरफ युद्ध है, लाचारी है, दुख है, दरिद्रता है, वहां बुद्धा ने 2600 वर्ष पहले ही मानवतावाद के सारे सिद्धांत दुनिया के सामने रख दिए थे। आप बोधगया की गलियों में आज भी निरंजना नदी के किनारे अपने 5 साथियों के साथ सफर पर निकले सिद्धार्थ को महसूस कर सकते हैं। अंतर मन में जटिल सवाल, जीवन क्या है? 6 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जब सारे साथी छोड़कर सारनाथ चले गए, तब सिद्धार्थ अकेले सेनानी गांव पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात एक कन्या से हुई जिसने उन्हें भोजन कराया। आखिरकार सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गए और प्रण लिया कि जब तक प्रबोधन तक पहुंच नहीं जाते उठेंगे नहीं। फिर कई असुरों ने उन्हें वहां से उठाने का प्रयत्न किया। उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की गई, पर वो बुद्धा थे, ज्ञान की चौखट पर अकेले खड़े, जिनके सामने हजारों अस्त्र शस्त्र भी सुगंधित फूल बनकर सामने गिर पड़े। अंत में उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ और वही स्थापित हुआ बोधगया। कहानियां कई है, सत्य केवल एक। बुद्धा ने अपने ज्ञान से विश्व का मार्गदर्शन किया, तो आखिर ऐसा क्या था इस चरित्र में जिसने महान से महान योद्धाओं को अहिंसा सिखाया, जिसने जातिवाद के बुरे तत्वों के सामने समाज को खुलकर सांस लेना सिखाया। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में जो आस्था इस जगह को लेकर है वो अद्वितीय है। बिहार की आध्यात्मिक राजधानी जिसकी तरफ विश्व आस्था से देखता है कई कारणों से मशहूर है। सबसे प्रमुख है महाबोधि मंदिर। ये कहानी का वही स्थल है जहाँ बुद्धा को प्रबोधन मिला। इस मंदिर के आसपास आपको कई रंग दिखेंगे। बौद्ध भिक्षुओं को पूजा करते एक साथ देख भव्य इतिहास का एहसास एवं मन को शांति आपको बस यही मिल सकता है। बुद्धा की विशाल प्रतिमा जो कमल पर विराजमान है वो बस देखते ही बनता है। मंदिर, मठ, म्यूजियम इत्यादि से ये स्थान नवंबर से फरवरी महीने में फबता है। मॉनसून में यहाँ जाने से बचें, सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पटना में स्थित है। पटना से 3 घंटे दूर गया सड़क द्वारा जाया जा सकता है। ट्रेन द्वारा जाने के लिए गया स्टेशन है, जिससे बोधगया की दूरी 16 किलोमीटर है। आप वहां से टैक्सी या ऑटो कर सकते हैं जो आपको 70 रुपये में बोधगया पहुंचा देंगे। बिहारी होकर भी अगर आप यहां नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, देख कर आइए बिहार का गौरव कैसे मुस्कुराता है बुद्धा की कर्म भूमि में। और अगर आप बिहार के बाहर रहते हैं तो जानिए कि बिहार और बिहारी दोनों के चरित्र का निर्माण यहाँ से हुआ है। एक निस्वार्थ सोच और महाबोधि वृक्ष के छाँव में पनपते बिहार के फूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।